अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएस स्टाइल कॉर्नर। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक बार फिर से बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी सी 22 कैरेट गोल्ड के साथ बैंगल्स डिज़ाइन दिखाऊंगी। बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारे से बैंगल्स डिज़ाइन आप लोग देखेंगे। कुछ मीनाकारी के साथ मैं आपको डिज़ाइन दिखा रही हूँ। ये देखें, मीनाकारी में आप देख रहे हैं, पाइपकड़ा स्टाइल में आप लोग देख रहे हैं, टू पीस में ज़्यादातर डिज़ाइन में आप लोगों को दिखा रही हूँ। लाइट वेट के साथ ज़्यादातर डिज़ाइन में आप लोगों को दिखा रही हूँ। तकरीबन 30 डिज़ाइन आप लोग अच्छी वीडियो में देखेंगे। फैंसी स्टाइल भी आप लोग देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत से बैंगल्स डिज़ाइन भी आप लोग देख रहे हैं, तो वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा। अगर आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर भी करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलते रहें और हमारी हर वीडियो आप तक पहुँच सके। ये देखें व्यूअर्स, कुछ लेकर के साथ भी आप लोग डिज़ाइन देख रहे हैं, डिफरेंट कलर्स के लेकर के साथ, मीनाकारी के साथ, प्लेन गोल्ड के साथ। लाइट वेट के साथ ज़्यादातर डिज़ाइन मैं आपको दिखा रही हूँ। कुछ डेली यूज़ के डिज़ाइन भी आप लोग देख रहे हैं, ब्राइडल्स के लिए भी बहुत प्यारे से डिज़ाइन आप देख रहे हैं। ये देखें, फोर पीस में बहुत प्यारी सी बैंगल्स हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, मीनाकारी के साथ भी आप लोग डिज़ाइन देख रहे हैं और प्लेन डिज़ाइन भी देख रहे हैं। तो व्यूअर्स, अगर आप लोग ऑर्डर पे बनवाना चाहें तो आप लोग ये डिज़ाइन ऑर्डर पे भी बनवा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी दूसरी वीडियोस की तरह आप लोगों को मेरी ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आएगी, तो वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट्स भी कीजिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। मुझे आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। एक बार फिर कहूँगी कि अगर अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।